चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है के ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। यह फिल्म 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल था और इस फिल्म ने सलमान खान के साथ कटरीना कैफ नजर आई, जो फिल्म पिछले साल 22 दिसंबर को पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया। इस फिल्म के बाद भाईजान अपनी आगामी फिल्म रेस 3 की शूटिंग में व्यस्त है, तो वहीं किक 2 के निर्माता ने यह घोषणा कर दिया है कि उनकी फिल्म किक 2 2019 के क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। जी हां, किक के निर्माता ने किक के सीक्वल से पर्दा उठा दिया है। फिल्म के निर्माता ने खुलासा करते हुए किक के दूसरे पार्ट के रिलीज डेट की भी घोषणा कर दिया है। आपको बता दें कि अगले साल क्रिसमस के मौके पर सलमान खान का डेविल अवतार दर्शकों को एक बार फिर से भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी निर्देशक साजिद नाडियावाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दिया है। आपको बता दें कि 2014 में इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान और चकनीश फर्नांडिस के साथ साथ रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में नजर आए थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आए थे, जहां नवाज़ सिद्दीकी का किरदार तो लोगों के जहन में सर चढ़कर बोला था। अब इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस काम करेगी ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि किक 2 में एक बार फिर से जैकलिन और सलमान का जोरदार रोमांस दर्शकों को देखने को मिलेगा। Thank you.